गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग।
चलो नोट्स मिल गए सबको। यस सर, यस सर। ठीक है, शुरू करते हैं आज अपना 12th क्लास। और पहला चैप्टर आपका कौन सा? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वीडियो ऑन कर लो। देखो बहुत सारी बातें इसमें ऐसा है जो आप पहले से जानते होंगे थोड़ी बहुत, है ना। जैसे अपन देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है सबको पता है, पहली बात। दूसरी बात, ये पूरा यूनिट आपका रिप्रोडक्शन रिलेटेड ही है। पहला जो है आपका डेट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकेंड यूनिट है हमारा, सेकेंड मतलब चैप्टर है इसमें। सेकेंड चैप्टर है इसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थर्ड चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फोर्थ आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। तो पूरा यूनिट आपका रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस यूनिट को। ये बताओ नोट सबको मिल गए? यस सर, सर मुझे नहीं मिले। किसे नहीं मिला? नाम नाम बताओ। सर सकीना। अच्छा नहीं मिला, अभी सेंड करते हैं। और किसी को? कशिश, तुमको नोट्स मिल रहे हैं? नहीं सर। तो बोलती क्यों नहीं है जब मैं पूछता हूँ कि नोट्स? कल मैं चेक कर रहा था तेरे को कोई नोट्स ही नहीं जा रहा है। जिसको नोट्स नहीं मिला बोल दिया करो, उनको मैं सेंड करूंगा, नहीं तो भूल जाता हूँ मैं फिर। चलो सकीना और कशिश को मैं भी सेंड कर रहा हूँ। और किसी को बाकी है? सकीना और कशिश को सेंड कर दिया मैंने, और कोई? इसमें एक दर्शिल जोशी है, आपको नोट्स मिल रहा है? नहीं सर, मेरे को भी बाकी है। तुमने अभी ज्वाइन करा है ना? हाँ। चलो ठीक है, सेंड करता हूँ मैं आपको। आप मेरे को मेरे नंबर पे ये कर दोगे, मैसेज कर दोगे हाय सर लिख के? ठीक है ठीक है। हाँ फिर आपको नोट सेंड कर दूंगा मैं। ठीक है रुशान, मिल गया नोट्स तुमको? सर मुझे नहीं मिला। किसको? कुशिशा। ओके देख रहा हूँ मैं। नॉर्मल क्या ना। चलो चैप्टर देखते हैं, है ना। ये क्योंकि देखो ये चैप्टर समरी है, अगले चैप्टर से अपन, आप ऐसा समझ लो कि अगला दो चैप्टर जो करने वाले हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका समरी है। बट इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान दोगे। दूसरी बात, नोट्स बहुत ही प्रॉपर है, बहुत प्रॉपर नोट्स है, तो इसको देख लोगे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होगी। किसी भी लेवल पे, नीट लेवल पे चले जाओ, ट्वेल्थ में चले जाओ, सारी बातें इसमें ऐड हो जाएगी। चलो तो सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन देखेंगे, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन होता क्या है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच अलाउज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। आप जानते हो क्या होता है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन में अपन प्रोडक्शन करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म का फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग है। तो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म कौन हो गया? पेरेंट्स, पेरेंट्स से हम लोग आए, है ना। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच अलाउज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म
एज इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज। आपको बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है क्या, याद है जब सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे थे 11th में अपन, क्या पढ़ा हमने 11th में रिप्रोडक्शन का पूरा डेफिनेशन? यस सर, पढ़ा है ना। उसमें हमने सब पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है कर्तव्य, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज सर, स्पीशीज पढ़ा था हमने सर। तो आपको देखो, सुनते जाओ बस, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है सबसे पहली चीज। जैसे मान लो कि ह्यूमन बींग्स है, आज ह्यूमन बींग्स में अगर कंडीशन लगा देते हैं कि रिप्रोडक्शन बंद हो जाए, तो आने वाले टाइम में हो सकता है 50 साल 60 साल 70 साल, है ना, उसके बाद सारे ह्यूमंस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्यों, कैसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि क्या आपका, हमने क्या करा, रिप्रोडक्शन को रोक दिया। ह्यूमन का पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, या किसी भी स्पीसीज का अगर उसके नंबर को बढ़ाना है और उसको कंटिन्यूअस रखना है पूरे इस अर्थ के ऊपर, तो आपको रिप्रोडक्शन करना होगा। तो रिप्रोडक्शन सबसे जरूरी किस लिए है, कंटिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज, है ना। रिप्रोडक्शन होता क्या है, सिंपल सी बात, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म, है ना, आपने डेफिनेशन पढ़ा है। आगे देखो, लाइफ स्पैन एक टर्म आया, देखो मैं थोड़ा लिखूंगा कम आज, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़े बर्न हो गए हैं ना, तो आज कम लिखूंगा मैं थोड़ा, आपको जहां पे समझ में आया पूछोगे सामने से, ठीक है, आ रही बात समझ? यस यस, सामने से पूछो क्योंकि आगे लिख नहीं पाऊंगा थोड़ा। चलो तो देखते हैं लाइफ स्पैन क्या होता है, ठीक है सर। हाँ बताओ सर, मैं वीडियो ऑफ रखूं? हाँ रखो, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। बस देखो, वीडियो ऑन ऑफ का मतलब क्या होता है ना, कि आप क्लास पे जो भी बच्चे हो ध्यान दो, मतलब इतना ही होता है। जो सीरियस बच्चे हो तो पढ़ाई करते हैं, बाकी बच्चे ना इसका फायदा उठाते हैं, पूरे 11th तुमने ऐसे ही बिता दिया। तो ऑफलाइन का मतलब ये नहीं होता कि वीडियो ऑफ कर लिया तो हम बस किसी मस्ती में डूबे हुए हैं, आपकी पढ़ाई आपको करना है, आप सीरियस रहोगे आपको फायदा करेगा। और अब तो 12th के चैप्टर शुरू हो रहे हैं, तो मान लो जिनको ये सोच में है कि मेरे को तो बोर्ड एग्जाम देना है, अब उनके लिए भी शुरू हो चुका है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो अब फोकस पूरा रखो, क्योंकि मैं भी छुट्टी लग सकता था, पूरे हाथ में मेरे बर्न है, लेकिन मैं आके पढ़ा रहा हूँ ना, ताकि तुम्हारे लेक्चर खराब ना हो। तो इस हिसाब से थोड़ा तुम लोग भी एफर्ट डालो और पढ़ो सब लोग। चलो देखो, इसमें आप लाइफ स्पैन टर्म आपने पहले भी सुना होगा, सुना है सब कुछ होता है। yes, इसमें अपन को देखो, जब यहाँ पे मैं बोलू एक एक बात उसको आप ध्यान रखोगे, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, यहाँ पे देखो क्या टर्म है, जहां पे मैं बोलू है ना, जहां पे मैं फोकस करूं, जहां पे मैं आपको प्रेशराइज करूं, जहां पे मैं आपको यह बोलूं कि इस चीज को आप मार्क कर लो, पक्का करना। देखो यहां पे क्या लिखा है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन, बर्थ से नेचुरल डेथ। अब देखो, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट से भी तो डेथ हो जाता है ना, उसको लाइफ स्पैन में काउंट नहीं करेंगे अपन। जैसे ह्यूमन का अपन कितना मान के चलते हैं, 65 ईयर्स, लेकिन क्या सारा ह्यूमन 65 इयर्स जीता है क्या? नहीं, बहुत लोग एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है ना बीच में ही, तो एक्सीडेंटल डेथ को काउंट नहीं करेंगे अपन, है ना, कोई किसी को मार दिया उसको काउंट नहीं करेंगे, बर्थ टू नेचुरल डेथ काउंट करेंगे। नेचुरली कोई इंसान मर रहा है, वो जितना ड्यूरेशन होता है, मान लो एक इंसान 65 साल जी रहा है मैक्सिमम, तो 65 साल उसका क्या हो गया, लाइफ स्पैन हो गया। तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, लाइफ स्पैन इज अ स्पेसिफिक ट्रेट ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म, पक्की बात है, हर ऑर्गेनिज्म जो भी इस दुनिया में आया है सबका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। सारे ह्यूमन का लाइफ स्पैन है, सारे बर्ड्स का लाइफ स्पैन है, टाइगर हो, लायन हो, इंसेक्ट हो, जो भी है दुनिया पे, अगर वह लिविंग है तो उसका लाइफ स्पैन होगा, है ना, कभी उसका बर्थ होगा कभी उसका डेथ होगा, पक्की बात है। चलो, लाइफ स्पैन वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स, अपन देखेंगे किसी, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट है जो एक ही दिन के अंदर रिप्रोड्यूस भी करता है, मच्योर भी होता है, मर भी जाता है ना, बहुत सारे ऐसे भी है जो हजारों साल जिंदा रहता है, जैसे आपने पढ़ा था बैनियन ट्री, बैनियन ट्री कितने साल का लाइफ स्पैन है उसका, 200 से 300 साल, है ना, ह्यूमन बींग्स 65 साल। इसी तरह कोई इंसेक्ट का देखेंगे, हो सकता है एक दिन भी हो, तो वही बोल रहा है कि लाइफ स्पैन वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज
टू सेवरल थाउजेंड इयर्स, मतलब किसी का लाइफ स्पैन हो सकता है 2-4 दिन का भी हो, किसी का हजारों साल का हो, ठीक है। एग्जांपल भी देखेंगे अपन। लाइफ स्पैन्स आर नॉट, ये फिर से इंपॉर्टेंट लाइन, लाइफ स्पैन्स आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद साइज। कौन बात कर रहा है भाई, जिसको बात बात करना लेक्चर में बाहर जाके आराम से बात करो। सर माइक चालू है। किसका? केसर। अच्छा केसर माइक ऑफ कर लो बेटा। चलो देखते हैं। लाइफ स्पैन्स आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोल रहा है इसमें देखो कि लाइफ स्पैन आपका साइज या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से कोरिलेटेड नहीं होता, मतलब लाइफ स्पैन का साइज से कोई मतलब नहीं होता है ना, साइज या कॉम्प्लेक्सिटी से कोई मतलब नहीं होता। देखो क्यों बता रहा हूं, यहां पे दिया हुआ है। एज फॉर एग्जांपल क्रो एंड पैरट आर ऑलमोस्ट इक्वल साइज। एक क्रो को देखो और एक पैरट को देखो, दोनों का साइज इक्वल होता है कि नहीं? ऑलमोस्ट होता है कि नहीं? सबने देखा होगा, क्रो भी देखा होगा पैरट भी देखा होगा, दोनों का साइज इक्वल होता है। लेकिन देखो आप दोनों के लाइफ स्पैन में ना जमीन आसमान का अंतर है। देखो बट क्रो हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ ओनली 15 इयर्स व्हाइल पैरट लिव्स फॉर अबाउट 140 इयर्स। दिख रहा है? दोनों का साइज एक ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, इक्वल है, पर दोनों के जीने का जो ड्यूरेशन है, क्रो का है मात्र 15 साल और पैरट का ऑलमोस्ट कितना है, 140 इयर्स। इसीलिए लिखा हुआ है कि लाइफ स्पैन्स आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हो सकता है बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, कॉम्प्लेक्स नहीं हो, लेकिन उसका लाइफ स्पैन ज्यादा हो। हो सकता है बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, उसका लाइफ स्पैन कम हो। हो सकता है बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म हो, उसका लाइफ स्पैन ज्यादा हो। हो सकता है बहुत लार्ज एनिमल हो, लेकिन उसका लाइफ स्पैन कम हो। बात समझ में आ रही है? तो लाइफ स्पैन साइज या कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है सबको? जिसको जहां पे डाउट हो पूछो। देखो पूछने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, आप 5 बार पूछो और यह हर एक इंडिविजुअल के लिए क्लास में, जिसको ना समझ में आप पूछो आप जरूर। चलो आगे देखते हैं। सिमिलरली मैंगो ट्री लिव्स फॉर 200 इयर्स व्हाइल पीपल हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 2500 इयर्स। देखो आप मैंगो ट्री और पीपल के ट्री को देखोगे, साइज लगभग सेम होता है, होता है कि नहीं? एक मैंगो ट्री देखो एक पीपल ट्री को देखो, लगभग साइज इक्वल होता है, लेकिन दोनों को लाइफ स्पैन में देखो तो कितना अंतर है। मैंगो ट्री 200 साल जीता है और पीपल के ट्री का कितना है आपका 2500 साल। इसीलिए आपने शुरू में ही पढ़ा था कि लाइफ स्पैन वैरीज फ्रॉम few days to several thousand years. देखो यहाँ पे 2500 साल तक पीपल ट्री। और पहले बता दो, you have to remember the life span. सब लाइफ स्पैन जो भी दिया हुआ है आपको याद करना होगा, लाइफ स्पैन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अभी लिस्ट भी है बहुत सारे का लाइफ स्पैन दिया हुआ है, जिसका भी एनसीईआरटी में दे दिया है आपको याद करना होगा, ठीक है। आ रही बात समझ? चलो देखो वॉट एवर बी द लाइफ स्पैन द डेथ। देखो एक बार शुरू से बता रहा हूँ, 12th की शुरुआत हो रही है, तो जहां पे मैं बोलू ना कि ये इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन बनता है, तो वहां पे मार्क कर लेने का, आप अपने कॉपी में लिख लो या कहीं पे भी लिख लो कि यह सेंटेंस जो सर ने बोला था इंपॉर्टेंट है। वो सब पढ़ोगे ना, मेनली फोकस करोगे तो आपका छूटेगा नहीं कुछ, है ना। जैसे अभी आप देखोगे एक और क्वेश्चन हमेशा आता है जो बोर्ड एग्जाम में मिल जाता है, वॉट एवर। अब ये भी ध्यान रखना हमें, बोर्ड एग्जाम के लिए भी हम मार्क कर रहे हैं क्वेश्चन हमें। अब 11th में क्या था, बस नीट का देखते थे अपन, है ना, कि नीट में क्वेश्चन पूछता है। अब 12th में आपको क्या देखना होगा, बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, ये भी देखना होगा, नीट बोर्ड दोनों देखना होगा, है ना। तो जहां लिखो कि ये बोर्ड में पूछता है तो लिख देने का बोर्ड क्वेश्चन, ऐसे करके व्हाट एवर बी द लाइफ। सर ये हमारी क्लास वर्क में भी, क्या ये हमारी क्लास वर्क में भी नोट डाउन कर सकते हैं ना? कर सकते हो बिल्कुल, आप बिल्कुल कर सकते हो आप, है ना। पॉइंट वाइज अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ऐसे नोट्स बहुत प्रॉपर है, कोई फालतू लाइंस नहीं होंगे इसमें, ठीक है। फिर भी अगर आपको पॉइंट वाइज लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। व्हाटएवर बी द लाइफ स्पैन द डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज श्योर। पक्की बात है, कितना भी लाइफ स्पैन हो, किसी का 25 साल हो, किसी का 5000 हो, किसी का 10 दिन हो, किसी का 20 दिन हो, लेकिन डेथ अगर वो लिविंग है तो डेथ तो सर्टेन है कि नहीं, मौत तो निश्चित है। हेंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्टल। However, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा हुआ था कि why question लिख लो, किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, why single celled organism are considered as immortal?
व्हाई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स व्हाई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड एज इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब जो मर नहीं सकता है उसको इमॉर्टल बोलते हैं, मॉर्टल मतलब जो मर जाता है, ठीक है, जानते हो ना दोनों में। दूसरा, इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में कैसे पूछता है वो भी लिख लो, और करके व्हाई देयर इज नो नेचुरल डेथ इन why there is no natural death in single celled organism, why there is no natural death in single celled organism, in single celled organism। लिख लिया सबने, लिखा? Yes। अब देखो सर, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसमें कंसीडर्ड के, हाँ बोलो तो एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। Why single cell organism are considered as immortal? immortal immortal मतलब होता है जिसको मारा ना जा सके, जिसका मौत नहीं हो सकता, जो मर नहीं सकता है उसको अपन इमॉर्टल बोलते हैं, है ना, क्लियर है? Yes, sir। और हम लोग क्या है, मॉर्टल है, मॉर्टल मीन जो मर जाए एक टाइम के बाद। चलो देखो, अब एक बार समझो आप इसका आंसर, देखो क्या है यहां पे लिखा हुआ है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड एज इमॉर्टल बिकॉज दे सिंपली गेट लार्जर एंड देन डिवाइड व्हिच इज नॉट कंसिडर्ड एज डेथ। आपने पढ़ा होगा, याद करो, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या करता है, बैक्टीरिया क्या करेगा, कैसे डिवाइड करता है, जो उसका सेल साइज है उस सेल साइज को ग्रो कर लेता है, मतलब पहले ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद दो इक्वल सेल में डिवाइड कर जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो पेरेंट है वह कंटिन्यू करता है जिंदा रहना, लिविंग इन देयर डॉटर सेल्स। मतलब पेरेंट ने क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बना दिया। बात समझो क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो मैं बोल रहा हूं यहां पे, स्क्रीन दिख रहा है सबको, व्हाइट बोर्ड बोलो। yes, sir। चलो देखो, देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि यह एक ऑर्गेनिज्म है, यह बैक्टीरिया है, ठीक है, यह बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या किया देखो, जब बैक्टीरिया को डिवाइड करना होता है ना, तो यह अपने साइज को पहले इंक्रीज कर लेता है, साइज को क्या कर लेता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, और साइज जब इंक्रीज होता है तो फिर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर जाता है। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे जो पेरेंट सेल है ना वही डिवाइड होके दो सेल बना दिया अलग, दिख रहा है, दिख रहा है, तो मतलब पेरेंट सेल जैसे ही ओल्ड हुआ यह डिवाइड होके दो डॉटर सेल बना दिया, है ना, मतलब पेरेंट सेल अब किसमें जिंदा है, दो डॉटर सेल के रूप में जिंदा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन हम लोग में देखो, तो हम लोग में देखो ऐसा होता है क्या, मम्मी पापा डिवाइड हो जाते हैं और हम लोग आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है ना, हमारे में क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं उनका डेथ होता है ना, फिर नया जनरेशन आता है, फिर नया जनरेशन का डेथ होता है, उसका नया जनरेशन होता है, फिर उसका डेथ होता है, फिर उसका अगला जनरेशन होता है, होता है कि नहीं हम लोगों को। लेकिन बैक्टीरिया या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वह खुद डिवाइड कर जाता है दो इक्वल सेल में, इसीलिए अपन बोलते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मरता नहीं है, वह बस लार्ज होके और डिवाइड होके डॉटर सेल में जीने लग जाता है। आ रही बात समझ, मतलब जो पेरेंट था वह बाद में वही कन्वर्ट हो गया किसमें, डॉटर सेल। तो देयर इज नो नेचुरल डेथ इन केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बाकी जितने भी है हम सबको बोलेंगे उसका डेथ होता है। ये बात क्लियर है सबको, तो यही आंसर आपको लिखना है, आई बात समझ, यही आंसर yes, आपको लिखना है कि बिकॉज दे सिंपली गेट लार्जर एंड देन डिवाइड व्हिच इज नॉट कंसीडर्ड एज डेथ। और फिर आगे भी लिख दोगे, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकॉज व्हेन दिस ग्रो दे डिवाइड, दैट इज मदर सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, फॉर एग्जाम्पल बाई बाइनरी फ्यूजन। क्लियर है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो आप बहुत बेहतरीन तरीके से पहले से जानते हो, 11th में शायद मैंने पूरे इसके आपका क्या दिखाया था, डिफरेंसेस लिख के दिखाए थे, ये बताओ 11th में आपको बताया था मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंसेस,
यस सर याद होना चाहिए आपको, पक्की बात है, मैंने करवाए थे, है ना। चलो फिर भी मैं इसको ब्रीफ करता हूँ एक बार। तो दो ही टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं आपको पता है, एक होता है असेक्सुअल, दूसरा आपका सेक्सुअल। क्लियर है सबको? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल मीन्स, और आपको अगर डिफरेंस अगर पता हो तो मैंने दो तीन बातें 11th में बताई थी जो मेन था इसमें, फिर से एक बार मैं समरी करता हूँ, लिखूंगा नहीं मैं, थोड़ा बोलते जाऊंगा, ठीक है। ये देखो, चलो व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। चलो देखो, तो अपन देख रहे हैं सेक्सुअल और असेक्सुअल, दो ही टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो जो मैंने बताया था, तो एक साइड में मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, इधर है मान लो आपका सेक्सुअल और इधर है आपका असेक्सुअल, ठीक है। सबसे पहली बात हमने क्या करा था, असेक्सुअल में यूनिपैरेंटल है, याद है आपको? Yes. ये कैसा है, यूनिपैरेंटल मतलब सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व, इसमें दो पैरेंट नहीं होंगे, असेक्सुअल में सिंगल पैरेंट होंगे, है ना। दर्शील आपको समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है ना। हाँ सर, जहां नहीं समझ में आया पूछना, ठीक है। हाँ हाँ, तो देखो असेक्सुअल में क्या होगा, आपका यूनिपैरेंटल होता है, मींस सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व। लेकिन जैसे ही सेक्सुअल की बात करेंगे क्या हो जाता है आपका, बताओ? बाईपैरेंटल हो जाता है ना। यस, बाईपैरेंटल मींस टू पैरेंट्स आर इन्वॉल्व। आप सीधे समझो ना, हम लोग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दो पैरेंट होते हैं ना, एक मदर और एक फादर, मतलब बाईपैरेंटल मींस टू पैरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स, और सेक्सुअल में यूनिपैरेंटल। अब खुद से सोचो, दूसरी बात जो आपका इसमें होगा असेक्सुअल में, गैमेट फॉर्मेशन माइट टेक प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस था जिसको भूलेंगे नहीं अपन, हमने आपको बताया था, याद करो, गैमेट फॉर्मेशन माइट टेक प्लेस, माइट याद है, बताया था आपको गैमेट फॉर्मेशन माइट टेक प्लेस बट गैमेट का फ्यूजन कभी नहीं होगा, याद है? Yes, sir. याद है सबको, है ना। गैमेट का फॉर्मेशन, देखो गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है, पहली बार समझो बात को, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का भी फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी गैमेट बन सकता है, लेकिन ये पक्की बात है फ्यूजन कभी भी नहीं होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट नेवर टेक प्लेस, कभी भी नहीं, है ना। गैमेट मान लो बन भी गया कभी, फ्यूजन तो कभी नहीं होगा, फ्यूजन समझते हो ना, मेल गैमेट है ये फीमेल गैमेट है, दोनों फ्यूज करके क्या बनाता है, जायगोट, जानते हो ना। अभी मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करता है तो क्या बनता है, जायगोट बनता है। तो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपैरेंटल है, गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, और जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो फ्यूजन होने की बात ही नहीं। मान लो कभी गैमेट फॉर्मेशन हो भी जाता है, फ्यूजन कभी भी नहीं होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस and gametic fusion will also take place, दोनों होता है, है ना। sexual reproduction में gamete का भी formation होगा और gamete का fusion भी होगा, आपको पता है, दो differences मैंने बता दिए। तीसरा देखते हैं, जिसको ना समझ में है पूछेगा, तीसरा difference तो पहला difference क्या देखा, वो uniparental है ये biparental है, दूसरा क्या देखा, असेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस एंड गैमेटिक फ्यूजन डज नॉट टेक प्लेस, इफ गैमेट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस सम टाइम देन आल्सो गैमेटिक फ्यूजन विल नेवर अकर, असेक्सुअल में। सेक्सुअल में क्या देखा, गैमेट फॉर्मेशन अकर्स एंड गैमेटिक फ्यूजन आल्सो टेक प्लेस। तीसरी बात अब देखो, अगर यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पैरेंट इन्वॉल्व है, कितने पैरेंट है, सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व है, यूनिपैरेंट, तो इसके जो भी मान लो कि एक ही पैरेंट है, एक पैरेंट है, इससे जो भी बच्चा निकलेगा इसी का जैसा निकलेगा कि इससे अलग होगा, बताओ, उसी का जैसा, एग्जैक्टली सेम। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी नए डॉटर सेल बनते हैं ना, दैट आर एग्जैक्टली कॉपी ऑफ द पैरेंट, जिसको क्या बोलते हैं अपन, क्लोन, क्लोन क्या बोलते हैं अपन, क्लोन बोलते हैं। और क्लोन को डिफाइन कैसे किया था, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, देख लो
क्लोन को कैसे डिफाइन करेंगे अपन, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल। बोलोगे ये क्या बोल दिया सर? अरे भाई एक ही पेरेंट है उसी से बन रहा है, तो जितना क्रोमोजोम पेरेंट में होगा उतना ही इसमें भी होगा, जैसा जीन पेरेंट में होगा वैसा ही इसमें भी होगा, तो जेनेटिकली सेम होगा कि नहीं अपने पेरेंट का, जल्दी बताओ। दूसरी बात मॉर्फोलॉजी, जैसा पेरेंट होगा एग्जैक्ट वैसा दिखेगा भी, है ना? तो यहाँ पे क्लोन का प्रोडक्शन होता है किसमें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लोन मीन्स जो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा ही कॉपी हो जाए, है ना? तो मान लो कि दो डॉटर सेल बना, मतलब दो बच्चे हुए, तीन बच्चे हुए, ये तीनों बच्चे भी आपस में एक जैसे ही दिखेंगे और पेरेंट से भी बिल्कुल सिमिलर दिखेंगे, जिसको क्लोन बोलते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्लोन का फॉर्मेशन होगा क्या? अरे अपने आप को याद कर लिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना समझ में तो अपने आप को याद करो, क्या तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन एग्जैक्टली तुम्हारे जैसे दिखती है? नहीं। क्यों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल कॉपी नहीं हो सकता है। एक्सेप्शन है कब? जब आपका मोनोजाइगोटिक ट्विन होगा तो अलग बात है, ट्विन्स की कहानी अलग है, वो एक्सेप्शन है, है ना? नहीं तो और केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आपका वेरिएशन मिलता है, क्या मिलता है? वेरिएशन सर्जिंग। क्यों वेरिएशन आ जाता है भाई? क्योंकि देखो यहाँ 50% कैरेक्टर मदर का आता है, 50% कैरेक्टर किसका आता है? फादर का आता है, है ना? ऐसा ही होता है ना, मतलब मान लो कि मदर का एक सा है, फादर का वाई है, तो कौन सा मेल बॉय पैदा हो गया? मदर का एक सा है और फादर का भी एक सा है, तो क्या होगा? फीमेल चाइल्ड होगा। तो देखो तो 50% मदर का आ रहा है और 50% फादर का, दोनों केस में चाइल्ड हो या मेल हो, है ना? चाइल्ड हो मतलब मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, पक्की बात है 50% मदर से 50% फादर से कैरेक्टर आता है, आता कि नहीं स्नेहा? आएगा ना ये बात? अब देखो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा है कि अगर ये सब बात बतानी पड़ गई तो फिर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, 50 बार इसको हमने करके देखा होगा क्या? ऐसा ऐसा बलर रिएक्शन देखो तो ये हमने 50 बार करके देखा कि नहीं? एक्स एक्स किसके लिए, एक्स एक्स किसके लिए, मेल की फीमेल? फीमेल। एक्स वाई किसके लिए? मेल। अब गैमेट में कितना आता है? 50% ही आता है, तो गैमेट जितना एक होगा उसमें कौन सा क्रोमोसोम होगा? एक्स। और जो स्पर्म होगा उसमें 50% स्पर्म में कौन सा क्रोमोसोम? एक्स। और 50% में कौन सा? वाई। फीमेल का तो हमेशा एक्स ही रहेगा, तो मान लो कि फीमेल का एक्स और मेल का एक्स आ गया तो कौन सा चाइल्ड हो गया? गर्ल चाइल्ड। और फीमेल का एक्स और मेल का वाई आ गया तो कौन सा चाइल्ड हो गया? तो ये बात आपको पता है। तो देखो इसमें 50% कैरेक्टर मदर से आता है, 50% कैरेक्टर फादर से आता है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का प्रोडक्शन नहीं होगा, वहां पे क्या मिलता है आपको? वेरिएशन मिलता है। क्या बोलता है? वेरिएशन। तो लिख लो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन इज सीन। सर वो क्लोन वाला पॉइंट बाकी है, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजी सिमिलरली के बाद क्या था? नहीं, जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर इंडिविजुअल्स, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। देखो बेटा नहीं लिखोगे चलेगा, सब आपके नोट्स में मिलेगा, सब कुछ होगा इस नोट्स में, समझ रहे हो? इस नोट्स में है सब कुछ, बस समझ लो कॉन्सेप्ट, तुम बस कॉन्सेप्ट समझो, लिखने वाली जो भी बातें है ना सारी इस नोट्स में लिखी हुई, एक एक पॉइंट, ठीक है? तो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल इज कॉल्ड क्लोन। इसमें क्लोन मतलब एग्जैक्ट कॉपी बनता है सेक्सुअल में, सेक्सुअल में आपका वेरिएशन सीन होता है। चलो अब जिसके पास दिमाग होगा ना अगला डिफरेंस खुद से निकाल लेगा। एक चीज बताओ, हमने बोला इसमें क्लोन का प्रोडक्शन हो रहा है और इधर वेरिएशन मिल रहा है, किधर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक चीज बताओ तो अच्छा एडप्टेशन किसमें होगा, सर्वाइवल के चांस ज्यादा किसके होंगे? वेरिएशन में। आप जानते हो वेरिएशन के कारण ही क्या होता है, हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कंडीशन में एडप्टेशन कर सकते हैं ना, जिसके अंदर वेरिएशन होता है ना वह चेंजिंग कंडीशन में अच्छे से एडप्टेशन कर सकता है। तो इसका मतलब बेटर सर्वाइवल किसके हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो डॉटर सेल बनता है उसके हैं। इसमें नो एडप्टेशन, क्योंकि इसमें वेरिएशन नहीं होता है, नो एडप्टेशन, इसमें कोई एडप्टेशन नहीं होता असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि नो वेरिएशन इज प्रेजेंट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगली बात देखो, अगला देखते हैं, क्या पलक एक्सपेरिमेंट कर रही है? है? ओ सर, अगला नो सर, गलती से ऑन हो गया था। चलो ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें आगे देखो आप,
अब एडेप्टेशन इसमें है नहीं असेक्सुअल में, तो उसमें मतलब आपका क्या सर्वाइवल भी नहीं होगा। अगला देखो, कौन सा प्रोसेस ज्यादा स्लो होना चाहिए, असेक्सुअल की सेक्सुअल? सेक्सुअल, सेक्सुअल, क्योंकि इसमें गैमेट भी बनेगा, गैमेट का फ्यूजन होना है, गैमेट का ट्रांसफर होना है, बहुत सारा काम है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ स्लो प्रोसेस, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस। सिंपल एंड फास्ट, ये स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कौन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस है। क्लियर है? तो चलो, ये सब कुछ डिफरेंस था आपका असेक्सुअल सेक्सुअल में। अगर समरी करें तो सर बहुत सिंपल है सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाईपैरेंटल, मतलब दो पैरेंट होंगे अपोजिट सेक्स का, असेक्सुअल में यूनिपैरेंटल। सर क्योंकि यूनिपैरेंटल है उसमें कैसा प्रोडक्शन होगा, क्लोन का प्रोडक्शन होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि 50% कैरेक्टर कम्स फ्रॉम मदर साइड एंड 50% फ्रॉम फादर साइड। तीसरी बात देखेंगे सर, क्योंकि वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है तो बेटर एडेप्टेशन शो कर सकता है, और सेक्सुअल में वेरिएशन नहीं है तो एडेप्टेशन शो नहीं करता है। क्योंकि एडेप्टेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है तो सर्वाइवल के बेटर चांसेस किस में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इन कंपैरिजन टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्योंकि इसमें गैमेट बनना है, गैमेट का फ्यूजन होना है, गैमेट का ट्रांसफर होना है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो 11th में भी मैंने आपको पढ़ाए थे। अब बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। There are two types of reproduction, asexual and sexual. पहले देखते हैं अपन asexual reproduction. Features of asexual reproduction are, जो मैंने आपको पढ़ाया है वही बातें इसमें लिखी होगी। As there is involvement of only one parent, so it is uniparental. क्योंकि इसमें एक ही पैरेंट है, इसलिए uniparental बोलते हैं। दूसरा, it can occur with or without gamete formation. But gametic fusion is absent. अभी बताया ना, it can occur with or without gamete formation. मतलब mostly इसमें भी gamete नहीं बनता है ना? और gamete जब नहीं बनेगा तो gametic fusion की तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होती है। लेकिन मान लो कभी gamete बन भी गया, लेकिन gametic fusion हमेशा absent होगा। gametic fusion कभी, gamete का fusion कभी नहीं हो सकता। तीसरा, the individuals produced are exact copies of each other and their parents. अभी बताया ना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी इंडिविजुअल आएगा, मान लो ये पैरेंट है, इधर ध्यान दो, ये मान लेते हैं पैरेंट है, इससे दो बच्चा आया, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो दो बच्चा है ना, एग्जैक्टली अपने पैरेंट जैसा दिखता होगा और आपस में भी एक दूसरे जैसा दिखता होगा। अरे बात समझ, मतलब सब सेम सेम, आपस में भाई बहन है वो भी भाई भाई है, वो भी एक जैसा दिख रहा है, बहन बहन सब एक जैसे दिख रही है, और अपने डैड के जैसा या मम्मी के जैसा है, मतलब डैड मम्मी तो बोलेंगे नहीं इसमें, यूनिपैरेंटल है ना। तो असेक्सुअल में क्या होगा, जैसा पैरेंट एग्जैक्ट कॉपी बच्चा, और बच्चा भी एग्जैक्ट कॉपी एक दूसरे का। ठीक है, इसलिए लिख रहा है द इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स, बिकॉज द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इनहेरिट ऑल ऑफ इट्स क्रोमोजोम फ्रॉम वन पेरेंट। और क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो सिंगल पेरेंट है तो जो भी क्रोमोसोम इसके अंदर होगा वहीं से भी इसके अंदर आ रहा है, तो सिमिलर होगा वो। जबकि सेक्सुअल में क्या होता है, दो पैरेंट होता है तो आधा क्रोमोसोम मदर का आता है, आधा क्रोमोसोम फादर का आता है, इसलिए वो पूरा सिमिलर नहीं होता है। आगे देखते हैं, सच अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड क्लोन। पहले ही बता दिया, क्लोन को कैसे डिफाइन करेंगे, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड क्लोन। ठीक है, लिखा हुआ है डेफिनेशन। आगे देखो, ईच मेंबर ऑफ अ क्लोन इज कॉल्ड रैमेट, एक अलग का टर्म है। ठीक है, जितने मेंबर होंगे ना क्लोन में, मान लो हमारे पास 20 क्लोन बना, 20 डॉटर सेल बने, 20 डॉटर सेल में हर एक डॉटर सेल को अपन रैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैमेट। ईच मेंबर ऑफ अ क्लोन इज कॉल्ड रैमेट, RAMET, ये नया टर्म है। याद, चलो आगे देखते हैं। अभी तक सबको समझ में आ रहा सब कुछ, जल्दी बताओ। यस सर। चलो आगे देखते हैं। इट कैन अकर थ्रू अनस्पेशलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड पार्ट्स ऑफ पेरेंट। अभी देखेंगे, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कुछ अनस्पेशलाइज्ड पार्ट या
स्पेशलाइज्ड पार्ट जो पेरेंट का होगा उससे हो सकता है। देखेंगे बहुत सारा तरीका है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अभी आगे आने वाले यूनिट में ही देखेंगे अपन, है ना, कि कैसे आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनस्पेशलाइज्ड पार्ट या पेरेंट बॉडी के ही कोई स्पेशलाइज्ड पार्ट से हो सकता है। आगे देखो, इट इज अ कॉमन मैटर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गया, फिफ्थ नंबर, है ना, क्योंकि आपको यह बात जरूर याद रखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली किसमें होता है और सेक्सुअल किसमें होता है। तो फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आप खुद से दिमाग लगाओ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए कि नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होना चाहिए, लोअर ऑर्गेनिज्म, है ना। इट इज कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा एज वेल एज प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एल्गी फंजाई एंड स्पॉन्जेस। मतलब कि जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल हो ना, उसी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। किस किस में देखने को मिलेगा, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे लाइक मोनेरा प्रोटिस्टा, और मान लो कि मल्टी सेल्ड भी है प्लांट एनिमल में, उसमें भी मल्टी सेल्ड में किस में, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल हो, जैसे कि एल्गी फंजाई एंड स्पॉन्जेस। ये देखो मोनेरा प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेल्युलर है, उनमें तो देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन आप एल्गी फंजाई और स्पॉन्जेस क्या है, मल्टी सेल्युलर है, लेकिन ये बहुत लोअर ऑर्गेनिज्म है ना, इनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत क्या होता है, प्रिमिटिव होता है, सिंपल होता है। तो इन सब जगह पे आपको असेक्सुअल के एग्जांपल आपको पूरा रट्टा मार देना होगा। आगे देखो, हायर प्लांट्स आल्सो एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि बस लोअर प्लांट के केस में अगर बात करें तो लोअर प्लांट जैसे एल्गी फंजाई स्पॉन्जेस ये सब तो शो करता ही आपका असेक्सुअल, हायर प्लांट भी आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकता है, लेकिन हायर प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम अलग टर्म यूज करते हैं। कौन सा टर्म, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो बच्चा इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है कि सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या अलग अलग है, ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली दैट इज सीन इन हायर प्लांट। मतलब सिंपल सी बात, लोअर प्लांट या जिन प्लांट का बॉडी रिलेटिवली सिंपल होगा उसमें बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हायर प्लांट में जैसे ही आता है उसी को बोल देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगला बात आपको बता ही दिया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिंपल एंड क्विक मेथड, ठीक है, ये सिंपल होगा और फास्ट मेथड होगा। चलो अब यहाँ पे देखो, ये आपको याद रखना है, पहले ही बता दिया, यू हैव टू रिमेम्बर द लाइफ स्पैन। आपको लाइफ स्पैन रट्टा मार ही जाना होगा, क्वेश्चन आ सकता है कभी भी। देखो एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना माना जाता है, 60 to 90 years। अब देखो आपको ऑप्शन देगा ना, तो इस बीच का कुछ भी दे सकते हैं, 62 years, 68 years, 82 years, 89 years, 90 years, सब सही होगा। हमारी बात समझ, यह रेंज है 60 to 90 years। अगला, रोज प्लांट का कितना होता है, 5 to 7 years, डॉग का कितना होता है, 25 to 30 years, बटरफ्लाई का कितना होता है, 1 to 2 weeks, बनाना ट्री का कितना होता है, 25 years, काऊ का कितना आपका, 20 to 25 years, क्रो का कितना होता है, 15 years, पैरेट का 140 years, क्रोकोडाइल 60 years, राइस प्लांट 3 to 4 months, फ्रूट फ्लाई 2 weeks, आपने पढ़ा भी है, बनियान ट्री 200 to 300 years, हॉर्स 60 years, टॉर्टोइज 100 to 150 years, और दो एग्जांपल उधर था मैंगो और पीपल, है ना, उसको भी इंक्लूड कर लोगे। आई बात समझ, तो आपको लाइफ स्पैन रट्टा मारना होगा, याद कर लेना इसको। चलो आगे देखते हैं, अब अपन देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या हुआ समझा, उसके कैरेक्टर्स को देखा, यूनिपैरेंटल होता है, क्लोन होता है, वेरिएशन नहीं होता है, रिप्लिकेशन नहीं होता है, है ना, पहले वो सब देखा हमने, कैरेक्टर ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपन देखेंगे क्या क्या मेथड एंड टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन बोल सकते हैं। तो अब क्या देख रहे हैं अपन, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब टर्म भी आपने सब बहुत डिटेल में पढ़ा भी है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपेगेशन को छोड़ के सब पढ़ा है, फिर यहाँ पे बहुत अच्छे से देखिए, प्रोपोगेशन नहीं पढ़ा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा है सर। अरे एक ही हुआ। हाँ ठीक है, अभी फिर से देखेंगे अपन सब। चलो
सर एक डाउट है, बोलो। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो उससे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती है ना, तो लाइफ स्पैन में फर्क पड़ना चाहिए थोड़ा तो। कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? रिद्धि। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है पहले पता है सर? जब वो वेरिएशन होता है। बहुत हेवी टर्म यूज किया तुमने, जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब क्या उसका जेनेटिक ड्रिफ्ट का? सर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, सुनो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है पहले ये समझो। मान लो एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पॉपुलेशन का कुछ इंडिविजुअल एक लोकेशन को छोड़ के दूसरे लोकेशन पे चले जाए, उसको बोलते हैं अपन जेनेटिक ड्रिफ्ट। आ रही बात समझ? बात समझ में आई? जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है देखो, मान लो यह एक एरिया है अहमदाबाद, अहमदाबाद में कोई एक पॉपुलेशन है उसमें 5,000 इंडिविजुअल्स है, कितने 5,000, सबका अपना जेनेटिक कंपोजिशन होगा, है ना, सबका होगा ना, जो हम जो भी इंडिविजुअल है सबका अपना जेनेटिक कंपोजिशन है। अब देखो होता क्या है, 5,000 इंडिविजुअल में से मान लेते 200 इंडिविजुअल परमानेंटली जाके अब कनाडा में शिफ्ट हो गया, कहां पे कनाडा परमानेंटली, अब वापस नहीं आएंगे अहमदाबाद, ठीक है, तो इसका मतलब ये जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, मतलब यहां का कुछ जीन का फ्रीक्वेंसी आपका माइग्रेट होके कहां चला गया, दूसरे लोकेशन पे चला गया, ठीक है। अलग पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब फालतू की चीजों पे नहीं, ठीक है, ये सब फालतू की चीजों पे नहीं, आराम से पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। मतलब ये सब तुम डाल लिए फिल्टर वगैरह डालने का मतलब है, अभी सेल्फी थोड़ी ले रहे अपन, फिल्टर डाल लिया उसमें से, तुम आराम से आओ वीडियो पे, पढ़ाई पे फोकस करो। सॉरी सर, सॉरी सर। चलो यहाँ देखो, कोई बात नहीं, यहाँ देखो, ठीक है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट उसको बोलते हैं, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको पढ़ना है, आ रहा है 12th में इवोल्यूशन चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7, उसमें आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, तो अब देख रहे हैं अपन टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पहला क्या है बाइनरी फ्यूजन, दूसरा बडिंग, तीसरा स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक ही बात है। अब एक एक करके अपन देखेंगे, क्योंकि ये टर्म्स बहुत पहले से आप 7, 8, 9, 10 सब जगह पढ़ते हो, तो जल्दी जल्दी देखेंगे इसको। बाइनरी फ्यूजन देखते हैं पहले, बहुत अच्छे से दिया हुआ इसमें अकरेंस, होता किस में बाइनरी फ्यूजन, इट अकर्स इन, तो इन सब में यही याद रखना है, एग्जाम्पल आपको मेनली याद रखना है कहाँ कहाँ होता है, मेनली मैं पहले बता दिया, कहीं भी पढ़ो जहां पे एग्जाम्पल आ गया तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल ही हो जाता है, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन, इट अकर्स इन मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में आपको बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलेगा, दैट इज बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में मेनली दो में आपको देखने को मिलता है बाइनरी फ्यूजन, अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। होता क्या है बाइनरी फ्यूजन में, नीचे लिखा हुआ है, इन दिस प्रोसेस, आप जानते हो क्या होता है, पहले पैरेंट सेल होगा, पैरेंट सेल का न्यूक्लियस पहले क्या होता है साइज में ग्रो करता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, और तो ऐसे ही होता है ना, पढ़ा है हमने, ये पैरेंट सेल है, इसका न्यूक्लियस है, तो पहले इसका धीरे धीरे न्यूक्लियस ग्रो होना शुरू करेगा साइज में, फिर इसका न्यूक्लियस टूटना शुरू होगा, और जब न्यूक्लियस दो पार्ट में टूट जाएगा तो फाइनली उसका साइटोप्लाज्म भी दो सेल में डिवाइड हो जाता है, यही होता है ना बाइनरी फ्यूजन में। बाइनरी टू और फ्यूजन मीन्स टूटना, मतलब एक सिंगल पैरेंट सेल दो डॉटर सेल में टूट जाएगा, टूटेगा कैसे, पहले अपने अंदर के सारा कुछ इक्वल इक्वल बांट देगा तब फाइनली साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो, इन दिस प्रोसेस द पैरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू हाफ, ईच हाफ फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म, ये पैरेंट है, फाइनली देखो डिवाइड हो गया दो हाफ में, है ना, और ये दोनों क्या हो गए, न्यू डॉटर सेल हो गए, ठीक है। अब होता कैसे वहां पे लिखा हुआ देखो, इट मीन्स द पैरेंट बॉडी एज अ होल forms a reproductive unit and the parent continues living as two daughter individuals. इसीलिए हमने बोला था single celled organism do not have natural death. क्यों? Parent का खुद का body ही reproductive unit की तरह act करने लगा और यही divide होके दो daughter cell के रूप में जीने लग गया, है कि नहीं, यही होता है ना binary fission में। अब देखो यहाँ पे question important यहाँ आ गया, it involves all mitosis in bacteria. Bacteria में आप जानते हो mitosis meiosis नहीं होता है, बैक्टीरिया में जो सेल डिवीजन का प्रोसेस वो क्या बोलते हैं, याद है ना क्या बोलते हैं भाई, अमाइटोसिस। बैक्टीरिया में जो सेल डिवीजन का प्रोसेस उसको अमाइटोसिस बोलते हैं कि नहीं,
क्यों बोलते हैं माइटोसिस, कोई बता सकता है? बताया हुआ है मैंने, क्यों बोलते हैं एंड्रिया? सर वो तो एक साल पहले पढ़ा था क्या? एंड्रिया, कसक, नित्य, कर्तवी, वैंसी, सिमरन। सर क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है इसीलिए इसको बोलते हैं माइटोसिस। माइटोस मींस क्या होता है? थ्रेड, मतलब स्पिंडल फाइबर, है ना? यहाँ पे क्योंकि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ माइटोसिस। तो बैक्टीरिया में क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स अ माइटोसिस इन बैक्टीरिया। और जब हम ईस्ट और अमीबा की बात करेंगे तो क्या होगा? माइटोसिस, ठीक है? क्योंकि बैक्टीरिया मोनेरा में आता है और आपका ईस्ट अमीबा वो सब आ गया कहां पे? आपका प्रोटिस्ट में। तो प्रोटिस्ट में माइटोसिस होगा और क्योंकि ये मोनेरा का है तो इसमें अमाइटोसिस होगा। तो पूछता है क्वेश्चन, बाइनरी फ्यूजन में कौन कौन सा डिवीजन पॉसिबल है? तो अमाइटोसिस भी पॉसिबल है और माइटोसिस भी पॉसिबल है, ठीक है? माइटोसिस किसमें भाई? ईस्ट और अमीबा में, और अमाइटोसिस किसमें? मोनेरा में, मतलब बैक्टीरिया, ठीक है? हुआ क्या? बहुत सिंपल सा, देखो ये पैरेंट है, ये पैरेंट का न्यूक्लियस है, ठीक है? ये पैरेंट सेल है और इसमें क्या है? इसका न्यूक्लियस। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, आपको पता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मींस कैरियन मींस न्यूक्लियस और काइनेसिस मींस डिवीजन, है ना? तो पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होगा? हमेशा आपको एक बात जो बेसिक बात है अगर तुमने सुना होगा ना 11th में, इसलिए मैंने बोला था कि 11 ढंग से पढ़ोगे तो 12th बहुत आसान हो जाएगा। मैंने उसी में बताया था कि कोई भी सेल डिवाइड होने से पहले क्या करता है? ग्रोथ करता है, याद है? सीधे सेल डिवाइड नहीं करेगा, पहले एक सेल है, पहले उसका ग्रोथ होता है, तब वो डिवाइड होता है। सेम यहाँ पे भी होगा। यह न्यूक्लियस छोटा सा है, पहले न्यूक्लियस देखो अपने साइज को बड़ा करना शुरू किया, न्यूक्लियस एनलार्ज। न्यूक्लियस का साइज आपका एनलार्ज जब हो गया तब न्यूक्लियस देखो कैरियोकाइनेसिस हो गया। ये देखो दोनों न्यूक्लियस क्या हो गया? सेपरेट हो गया। और जैसे ही न्यूक्लियस सेपरेट हुआ, बाद में ऊपर वाला जो है साइटोप्लाज्म है, सेल वाला, वो भी सेपरेट हुआ और ये टूट गया दो डॉटर सेल में। एक सेल में एक न्यूक्लियस आ गया और दूसरे में दूसरा न्यूक्लियस चला गया, है कि नहीं? बताओ, आई बात समझ सबको? ये सेल डिवीजन, पूरा सेल डिवीजन हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, उसके बाद दो न्यूक्लियस जब हो गए तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है? एंड वन सेल स्प्लिट इनटू टू सेल। किसको समझ में नहीं आया बताओ? दर्शिल समझ में आया? हाँ सर आ रहा है। चलो ठीक है, आगे देखो, अगला पॉइंट देखो। अब टाइप्स ऑफ अपन देखेंगे तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस पहले इनलार्ज हुआ, साइज में बढ़ गया, साइज में बढ़ने के बाद उसका कैरियोकाइनेसिस हो गया, वो दो पार्ट में टूट गया। और जब न्यूक्लियस अलग अलग हो गया, एक इधर आ गया एक इधर आ गया, तो देखो बीच में अभी सेल वॉल भी ऐसा क्या हुआ? कॉन्स्ट्रक्शन बनाया। कॉन्स्ट्रक्शन मतलब एक जगह पे आके ऐसे अटैच हो गया और दो भाग में टूट गया। इससे एक सेल से क्या हो गया? दो सेल का फॉर्मेशन, इसको डॉटर सेल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन ऑफ डिवीजन, किस प्लेन में डिवीजन हो रहा है? प्लेन आप समझते हो ना डिवीजन का? क्या प्लेन का मतलब क्या होता है? मतलब मान लो ए सेल है, ये ऐसे डिवाइड हो रहा है, सॉरी एक मिनट, ए सेल है ए ऐसे डिवाइड हो रहा है, मतलब सीधा सीधा, या ऐसे डिवाइड हो रहा है, या किसी भी प्लेन में डिवाइड हो रहा है ना, उसी के बेसिस पे जो आपका फ्यूजन है उसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। बाइनरी फ्यूजन इज द फॉलोइंग, सिंपल बाइनरी फ्यूजन, या इसको बोलते हैं इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। मतलब किसी भी प्लेन में अगर डिवाइड हो जाए सेल, उसको बोलते हैं इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, है ना? देखो डिवीजन कैन अकर थ्रू एनी प्लेन, जैसे अमीबा में आपका कौन सा फ्यूजन देखने को मिलता है? सारा क्वेश्चन बन गया, सिंपल बाइनरी फ्यूजन। मतलब अमीबा में कहीं से भी डिवीजन हो सकता है, यहाँ से भी डिवाइड कर जाए, यहाँ से डिवाइड कर जाए, यहाँ से कर जाए, किसी भी प्लेन में डिवीजन हो सकता है ना? तो अगर किसी प्लेन में डिवीजन हो जाए तो उसको बोलते हैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन, या क्या बोलते हैं उसको जल्दी बताओ? इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। क्लियर है? ठीक है, अमीबा में सिंपल बाइनरी फ्यूजन। आगे देखते हैं दूसरा, लॉन्गिट्यूडनल, नाम से पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके लॉन्गिट्यूडनल अगर डिवीजन हो,
ये मान लो ऑर्गेनिज्म है, इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में अगर डिवीजन हो, लॉन्गिट्यूडनल किसको बोलते हैं, वर्टिकल को, वर्टिकल को ही बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, जल्दी बताओ मतलब ऑर्गेनिज्म yes. का yes. ऑर्गेनिज्म का डिवीजन अगर पूरे 90 डिग्री पे हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, वर्टिकल हो, तो उसको बोल देंगे लॉन्ग, नाम ही बता रहा है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन. द प्लेन ऑफ फ्यूजन पासेस अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसी प्लेन में डिवीजन जब हो, है ना, तो उसको बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन. जो किस में देखने को मिलेगा आपको, यूग्लिना एंड वॉर्टिसेला, दो एग्जांपल आपको पहले बता दो, एग्जांपल्स आर मस्ट, आपको याद करना ही होगा. सिंपल बाइनरी फ्यूजन अमीबा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन यूग्लिना एंड वॉर्टिसेला, है ना. तीसरा है ट्रांसवर्स, ये बात आपको खुद से बता देना चाहिए कि सर जिसमें हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो या ऐसे डिवीजन हो, उसको क्या बोल देंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी, मतलब किसी प्लेन में डिवीजन हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, इसको सिंपल, अगर लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में हो ऐसे तो लॉन्गिट्यूडनल, और ऐसे अगर हो तो ट्रांसवर्स बाइनरी. ये तीनों आपके किसके एग्जांपल है, बाइनरी फ्यूजन के, ठीक है, आ रही बात समझ. अब देख लेते हैं ट्रांसवर्स किस में होता है, बैक्टीरिया में आपको ट्रांसवर्स देखने को मिलता है, पैरामीशिया में आपको ट्रांसवर्स देखने को मिलता है, डायटम्स में आपको ट्रांसवर्स देखने को मिलता है, प्लानेरिया में आपको ट्रांसवर्स देखने को मिलता है, ये सारे एग्जांपल याद करना है. देखो अब इस बाइनरी फ्यूजन जो होता है दो टाइप के होते हैं, एक तो हो गया आपका सिंपल बाइनरी फ्यूजन, है ना, और एक आपका होता है मल्टीपल फ्यूजन भी होता है. एक बाइनरी फ्यूजन हो गया ना, बाइनरी फ्यूजन के टाइप्स आपने देख लिया, पहला बोला बाइनरी, बाइनरी मतलब पैरेंट सेल विल डिवाइड इनटू टू, सिंपल सी बात है, उसको बाइनरी बोला, एक सेल से दो जब बनेगा तो बाइनरी. अब इसके अलावा एक मल्टीपल फ्यूजन भी होता है, कौन सा फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे पैरेंट सेल दो में नहीं बहुत सारे डॉटर सेल में बढ़ जाएगा, है ना. तो मल्टी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन कहाँ देखने को मिलेगा, अमीबा में, पैरामीशिया में, प्लाज्मोडियम सबसे मेन एग्जांपल इसका. बोलोगे सर क्या बोल रहे हो सर, अमीबा पहले भी आ गया, पैरामीशियम पहले भी आ गया, फिर बोल रहे मल्टीपल भी करेगा, वो भी करेगा, ये कैसे पॉसिबल है. तो याद रखो बेटा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, कौन सा कंडीशन, जल्दी बोलो, अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा या पैरामीशियम या प्लाज्मोडियम करते हैं मल्टीपल फ्यूजन. मल्टीपल फ्यूजन जनरल कंडीशन में नहीं होता है, कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन. क्लियर है सबको, यस सर. अब मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, यही मैंने सर, यस सर, यही मैंने सबसे ऊपर लिख दिया. देखो आपको यहाँ देखो मल्टीपल फ्यूजन यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर देखो लिखा हुआ है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन लिखा हुआ है. यस सर, यस. तो सबसे पहला पॉइंट ही मल्टीपल फ्यूजन में मैंने एरो करके ऊपर लिखा है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. उसके बाद देखो क्या होता है, इट अकर्स इन सम प्रोटोजोन्स. अभी आपने देखा प्लाज्मोडियम में होता है, किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में, ठीक है, आ रही आवाज सबको, आवाज आ रही है सबको, यस सर, यस सर, यस. चलो आगे देखते हैं, प्लाज्मोडियम में होता है पहली बार, और भी अमीबा पैरामीशियम में भी हो सकता है, बट कब, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. आगे देखो इसमें क्या होगा, द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू सेवरल डॉटर न्यूक्लिया. आप ध्यान दो दोनों में डिफरेंस क्या समझना. हमने उसमें क्या देखा अभी बाइनरी फ्यूजन में, कि सर एक सेल है, इस सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है वह न्यूक्लियस पहले एनलार्ज होता है, साइज में बड़ा होता है, साइज में बड़ा होने के बाद क्या होता है, न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड होने लगता है सर दो पार्ट में, इधर आ जाता है, और मतलब कैरियोकाइनेसिस होता है, एंड कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय कौन बताओ, साइटोकाइनेसिस. ये हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, ये लार्ज एक न्यूक्लियस था, पहले दो पार्ट में बट गया, जैसे ही आपका कैरियोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद क्या हुआ, जल्दी बताओ, साइटोकाइनेसिस हुआ ना, yes. हुआ ना, बोलो, yes. Yes, sir. अब ये तो समझते हो ना कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ अलग होगा, अलग क्या होगा, पहले न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड कर जाएगा. अभी क्या देखा था उसमें, न्यूक्लियस जैसे ही एक बार डिवाइड हुआ पक्की बात, उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे पहले न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड हो जाएगा, एक बार डिवाइड हो गया, दो, तीन, चार, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस पहले बन गया, तब जाके सबके ऊपर क्या होगा, साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होगा. आ रही बात समझ, आई बात समझ,
पहले बताओ। यस सर। यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस से शुरू में हो गया, बहुत बार न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, उसके बाद न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म जाके जमा हो गया। मतलब क्या हो गया, एक ही पेरेंट सेल के अंदर बहुत सारा ऐसा लगता है कि सेल बन गया। देखो ऐसा है, पहले ऐसा था मल्टीपल न्यूक्लियस बन गया, मान लो एक दो तीन ऐसे, है ना, बहुत बार कैरियोकाइनेसिस हो गया, बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया, और तब जाके इसके ऊपर साइटोप्लाज्म ऐसे जमा हो गया इन सबके ऊपर। तब क्या लग रहा है, एक ही पेरेंट सेल के अंदर कितने कितने डॉटर सेल लग रहा है, देखो तो अब More than two, है ना, तीन चार पांच सात आठ, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ये लिखा हुआ देखो, ध्यान दो, इट अकर्स इन सम प्रोटोजोन्स, द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू सेवरल डॉटर न्यूक्लियाई फॉलोड बाय द सबसिक्वेंट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस बहुत सारा डॉटर न्यूक्लियाई बना लिया, है ना, तब बाद में क्या होता है, जब बहुत सारा न्यूक्लियाई बन जाता है तब जाके आपका साइटोकाइनेसिस होता है। दैट इज समटाइम्स द न्यूक्लियस डिवाइड्स सेवरल टाइम्स by a mitotic nuclear division, then thus large number of nuclei are formed. पहले बहुत सारा nucleus बन गया, उसके बाद उस समय जब nucleus divide होते रहता बहुत सारा time, तब cytoplasm नहीं बनता। Cytoplasm does not divide during this period. जब पूरा बहुत सारा multiple nucleus बन जाता है तब जाके cytoplasm divide होता है। तो वही लिखा हुआ, cytoplasm does not divide during this period, then cytoplasm collects around each nucleus, thus within one maternal cell many unicellular and uninucleate offspring are formed. In course of time, they live as independent unicellular organism. This method of reproduction is called multiple fission. एक-एक लाइन समझो। हुआ क्या? Sometimes the nucleus divides several times by a mitotic nuclear division. एक-एक स्टेप दिखा रहा हूँ। पहले क्या हुआ? बहुत सारा न्यूक्लियस आपका बन गया, मतलब मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस हो गया। उसके बाद thus large number of nuclei are formed. देखो बहुत सारा न्यूक्लियस इसके अंदर बन गया, पैरेंटल सेल के अंदर, मैटरनल सेल के अंदर। उसके बाद साइटोप्लाज्म डज नॉट डिवाइड, अभी साइटोप्लाज्म इन सेल के ऊपर डिवाइड नहीं हो रहा है। जब ये बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया तब फाइनली क्या होगा, तब आपका देन साइटोप्लाज्म कलेक्ट्स अराउंड इज न्यूक्लियस, तब सारा न्यूक्लियस के अराउंड जाके साइटोप्लाज्म आपका जमा होना शुरू हो जाएगा। मतलब तब ये एक सेल बनाना शुरू कर देगा, देखो तब इस सबके अराउंड आके साइटोप्लाज्म जमा होना शुरू होगा। इसके कारण क्या हुआ, देखो तो एक ही मैटरनल सेल के अंदर आपको मल्टीपल अब यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि नहीं, देखो ना सबके ऊपर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी न्यूक्लियस भी है, तो अपन बोल सकते हैं यूनिसेल्युलर सेल हो गया है सबके सब, बोल सकते हैं कि नहीं। सेल कब बोलते हैं, जब उसमें न्यूक्लियस भी हो जाए और साइटोप्लाज्म भी हो जाए। आगे देखो, इसलिए लिख रहा है दस विद इन वन मैटरनल सेल, मतलब एक मैटरनल सेल के अंदर मेनी यूनिसेल्युलर, ये सब क्या है, यूनिसेल्युलर यूनि न्यूक्लियट ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस, और बाद में धीरे धीरे जब टाइम होता है ना, यही सारा आपका एक्ट करने लगता है इंडिविजुअल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक मैटरनल सेल के अंदर कितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो मल्टीपल का हुआ कि नहीं फॉर्मेशन। यस सर। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, मल्टीपल फिजन। सिंपल से बात, जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होके दो सेल बनाएगा बाइनरी फिजन, एक पेरेंट सेल डिवाइड होके मैनी सेल बना दे उसको क्या बोलेंगे अपन, बोलो मल्टीपल फिजन। ठीक है, एक सेल डिवाइड होके बना दे दो डॉटर सेल बाइनरी फिजन, एक सेल डिवाइड होके बना दे मल्टीपल डॉटर सेल, इसको बोल देंगे अपन क्या, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन कब देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कौन सा इसका, जल्दी बताओ, मोस्ट कॉमन एग्जांपल प्लाज्मोडियम, सबसे मेन है इसका। ठीक है, अमीबा पैरामेशियम भी है, क्लियर है सबको? यस सर। यस, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। चलो सर, हाँ बोलो, सिंसेशियम कंडीशन कब होती है सर, क्या अगर सिंसेशियम कंडीशन आ जाए तो सेल डिवीजन के टाइम, सिंसेशियल मतलब वही मल्टी मल्टी न्यूक्लियेटेड जब होता था बोलते हैं, सबका जब न्यूक्लियस फ्यूज कर जाए, समझा, जैसे मान लो सिंसेशियल कंडीशन का बोलते हैं अपन, ये देखो ऐसे को बोलते हैं, यहाँ मान लो, एक मिनट रुक जाओ, इधर देखो सिंसेशियल कब बोलेंगे अपन, मान लो एक्सेल के अंदर आपका मल्टीपल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, किसका, मल्टीपल न्यूक्लियस,
ये देखो मान लो ये सेल है ना, इस सेल के अंदर क्या हो गया, मल्टीपल न्यूक्लियस का मल्टीपल न्यूक्लियस बन गया। पहले मान लो एक ही था, वही न्यूक्लियस डिवाइड होकर बहुत सारा न्यूक्लियस बना दिया, इस कंडीशन को बोलते हैं सिंसिक्टियम, है ना। सिंसिक्टियम मतलब मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन विद इन अ सेल। आई बात समझ? यस सर। चलो तो सबको सिंपल मतलब बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन समझ में आया सबको? सिंपल सा है भाई। सर एक डॉटर सेल अगर दो डॉटर सेल बना के पेरेंट सेल तो बोल देंगे बाइनरी, और सर पेरेंट सेल अगर मेनी डॉटर सेल बना दो तो क्या बोलेंगे? मल्टीपल फ्यूजन। और सबका क्या याद रखना, अपन को एग्जाम्पल याद रखना है सबको, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस अपन का क्या, बडिंग। बडिंग देखेंगे अपन कब, कल, ठीक है। अरे बात समझ, बडिंग का पहले से जानते हो क्या होता है, पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में क्या होता है, इसी के कुछ सेल्स आपका एक आउटग्रोथ बना लेता है, या आउटग्रोथ क्या होता है आपका मच्योर होता है, और मच्योर होने के बाद क्या होता है, पेरेंट प्लांट से अलग होके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। पढ़ा है कि नहीं हमने, जल्दी बताओ, पढ़ा है ना? बॉडी में बहुत सिंपल है, सारे पेरेंट प्लांट है, इसी का कुछ सेल्स क्या होता है, उसी के बॉडी के ऊपर क्या होगा, मान लो ये मेरा शरीर है, इसी के ऊपर मेरा ही सेल है, ऐसे स्वेलिंग बना दिया, ये स्वेलिंग धीरे धीरे क्या होगा, मच्योर होगा, मच्योर होने के बाद मेरे हिसाब से टूट के एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, दैट इज कॉल्ड बडिंग, इसी को बोलते हैं ना, है कि नहीं। तो देखो बडिंग भी आपको कहां देखने को मिलेगा, अकर्स इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट। ईस्ट में आपको बडिंग देखने को मिलता है। मैकेनिज्म क्या है, बहुत सिंपल है। इन दिस प्रोसेस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, अब इस यहां पर क्वेश्चन आ गया कि बर्ड यूनिसेलुलर होता है कि मल्टीसेलुलर होता है, तो क्या बोलोगे? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप्स एन आउटग्रोथ बर्ड ऑन वन साइड, देखो ये पेरेंट सेल था, इसी का कुछ सेल्स आपका, ये देखो ये क्या है, यहाँ पे डिवाइड हो क्या है और बना दिया क्या आपका, बर्ड बना दिया, ठीक है, आउटग्रोथ कर दिया। फिर इसका साइज देखो इंक्रीज हुआ और साइज इंक्रीज हुआ, और साइज जब पूरी तरह से मच्योर हो गया तब यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से फूट के अलग हो जाएगा, यहाँ से फूट के अलग हो जाएगा, और पूरा एक और इसी तरह का सेल बना देगा। आई बात समझ? बोलो। यस सर। देखो इन दिस प्रोसेस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप्स एन आउटग्रोथ ऑन वन साइड, डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस थ्रू कैरियोकाइनेसिस शिफ्ट्स इनटू द बर्ड। यहाँ पे भी न्यूक्लियस, जैसे ही आपको सेल बनना है तो पक्की बात है न्यूक्लियस ही, तो देखो ये न्यूक्लियस है, ये बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, तो पहले देखो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस का कैरियोकाइनेसिस हुआ, मतलब दो न्यूक्लियस हो गया, एक न्यूक्लियस इसी सेल में रह गया पेरेंट सेल में, और दूसरा देखो तो आ गया कि नहीं बर्ड के अंदर, दिख रहा है, देखो एक रह गया पेरेंट सेल के अंदर और दूसरा न्यूक्लियस क्या आ गया, बर्ड के अंदर, ठीक है, वही लिख रहा है कि जो न्यूक्लियस है पहले कैरियोकाइनेसिस किया, दो न्यूक्लियस बना लिया, एक न्यूक्लियस बर्ड के अंदर चला गया, एक न्यूक्लियस पेरेंट सेल के अंदर आ गया, और फाइनली जब बर्ड मैच्योर होता है यहां से टूट के नया पेरेंट बना देगा। डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस थ्रू कैरियोकाइनेसिस शिफ्ट इनटू द बर्ड ग्रोज कॉन्स्ट्रिक्ट एट द बेस, मतलब बर्ड ग्रो करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, मतलब अभी क्या है, ये पेरेंट प्लांट से अटैच है, यहां पे देखो कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब यहां पे कॉन्स्ट्रिक्ट किया, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब पूरी तरह से सिकुड़ गया एक जगह पे, और फिर पेरेंट प्लांट से टूट गया और अलग टूट के क्या बना लिया, नया प्लांट बना लिया। द बर्ड ग्रोज कॉन्स्ट्रिक्ट एट द बेस सेपरेट्स एंड इवेंचुअली मैच्योर इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। अनलाइक बाइनरी फ्यूजन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज अनइक्वल एंड पेरेंटल सेल एक्सिस्ट। याद रखो यहाँ पे क्या हुआ, बाइनरी फ्यूजन से डिफरेंस बता दिया आपको। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है ये पेरेंट सेल है, इसका साइटोप्लाज्म मान लो पेरेंट सेल में साइटोप्लाज्म मान लेते हैं 50 ग्राम, कितना है बताओ, 50 ग्राम, तो दोनों डॉटर सेल में कितना कितना जाएगा जल्दी बताओ, 25 25 25 25। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, देखो ना पेरेंट सेल का साइज इतना बड़ा है, बर्ड का छोटा है, तो किसमें ज्यादा साइटोप्लाज्म रह गया, पेरेंट। यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इक्वल नहीं है, अनइक्वल होता है, एक लार्ज सेल बनेगा एक स्मॉल सेल बनेगा, है ना। और दूसरी बात, बाइनरी फ्यूजन में क्या था, पेरेंट सेल ही डिवाइड होकर क्या बना दिया था, दो डॉटर सेल, है कि नहीं बताओ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पेरेंट सेल डिवाइड नहीं हो रहा, पेरेंट सेल के ऊपर एक आउटग्रोथ आया, यहाँ पेरेंट सेल अलग हो गया, मतलब यहाँ पे पेरेंट सेल एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि वहां पे पेरेंट सेल क्या हुआ था, वही डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बना दिया था, है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। कल से, कल क्या देखेंगे अपन, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन से पहले बडिंग के बारे में एक और कुछ पॉइंट है जो मैं अपने नोट्स में दिया हूँ, देखो नीचे, उसको भी पहले खत्म कर ही लेंगे। ये देखो बडिंग, बडिंग दो टाइप का हो सकता है, पहले तो बता दिया कि बडिंग इन दिस मेथड,
फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल रिपीटेडली बडिंग एनिमल में देख रहे हैं अपन, है ना, वो प्लांट का था ये देखो, सेल्स ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल रिपीटेडली अंडरगो माइटोटिक सेल डिवीजन एंड द रेस्ट रीजन ऑफ सेल मासेस कॉल्ड बड्स आर फॉर्म इट सेपरेट फ्रॉम द पैरेंट बॉडी एंड लिव्स एज इंडिपेंडेंट एनिमल। ये तो बता दिया वही बात है कि कुछ सेल्स एनिमल बॉडी का ही आगे आउटग्रोथ करके बड बना लेता है और मच्योर होकर पैरेंट से पैरेंट प्लांट से अलग हो जाता है या पैरेंट एलिमेंट से अलग हो जाता है, न्यू एलिमेंट बना रहता है। टाइप्स ऑफ बडिंग देखो एनिमल में दो टाइप का बडिंग देखने को मिलता है, एक्जोजिनस एंड एंडोजिनस। बाकी बात है अगर बर्ड मान लो कि बॉडी के ऊपर बन रहा है, पैरेंट बॉडी के ऊपर बन रहा है, आउटसाइड में बन रहा है तो एक्जोजिनस बॉडी बडिंग बोलते हैं, और अगर मान लो कि किसी सेल के अंदर ही बडिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एंडोजिनस। ठीक है, तो इफ बर्ड इज प्रोड्यूस ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी इट इज कॉल्ड एक्जोजिनस। मतलब मान लो ऐसा ये पैरेंट बॉडी है, बर्ड अगर बाहर के साइड में बना तो एंडोजिनस, और बर्ड अगर सेल के अंदर में ही कहीं बन रहा है तो क्या बोल देंगे, एंडोजिनस। तो आपको याद रखने का जरूरत है ये भी कि एनिमल में दो टाइप के बॉडिंग होता है, एक्जोजिनस एंड एंडोजिनस। ए बर्ड इज फॉर्म्ड ऑन द आउटसाइड एक्जोजिनस, एग्जांपल है हाइड्रा। इन फ्रेश वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोजिनस बॉडिंग, याद रखना, क्वेश्चन बार बार पूछता है। इन फ्रेश वाटर की एग्जाम्पल याद रखना है, किसमें देखने को मिलेगा एंडोजिनस, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जिला एंड मराइन स्पॉन्ज फॉर एग्जाम्पल साइकॉन। ये किसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर में स्पॉन्ज होता है, और साइकॉन किसका एग्जाम्पल है मराइन वाटर में जो स्पॉन्ज होता है। Specialized cell masses are produced towards inside of the body and envelops around this cell mass. Such structures are called internal buds. है ना? अब इन दोनों में देखोगे तो बर्ड अंदर की तरफ ऐसे बनता है और इसको एक सीथ आपको ऐसे कवर करके भी रखता है। जो आपने नाम सुना होगा जेम्यूल, जेम्यूल का नाम सुना है? नहीं सुना? तो इसको याद कर लेना इस लाइन को। देखो यहाँ पे बर्ड अंदर की तरफ बढ़ता है इनसाइड द बॉडी, और इस बर्ड के ऊपर एक इनवेलप भी होता है, इनवेलप होता है, इसको सराउंड किया रहता है। Such structures are called internal buds, or इसी को बोलते हैं gemmules. Each gemmule give rise to a new animal. This is called endogenous bud. याद रखना। तो ये पूछता है कि gemmule कैसा bud है? Endogenous bud है। किसमें देखने को मिलता है? Spongilla and cycon. Clear है? Yes. क्या है? जल्दी बताओ। चलो ठीक है। आज हमने पूरा budding खत्म कर लिया। कल सुबह exploration। ना बोलो। Sir वो था ना simple bud. आपको अगर पैरेंट का बॉडी ऐसे डिवाइड करे, पैरेलल डिवाइड करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फीचर। आई बात समझ? ओके सर। अगर सीधा सीधा होगा तो बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, कहीं से भी हो जाए तो क्या बोलेंगे, सिंपल। आई बात समझ? यस सर। हाँ चलो ठीक है, अब देखेंगे कहानी कल। कल शुरू करेंगे कहाँ से अपन, स्पोरुलेशन। पढ़ के आए थे तुम लोग आज इतना? यस सर। यस सर। सबको सबको क्रिस्टल क्लियर है? एक एक चीज समझ में आया? दूसरी बात सुनो सर, वो मार्क्स भी नहीं आए अभी तक। मार्क्स देखो मेरे पास आ गए हैं क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट के कॉपी आपके चेक नहीं हुए हैं, इसलिए मार्क्स आपको नहीं मिला है। मैं ऐसे बता देता हूँ मार्क्स, रुक जाओ, जिसको इसको जानना है मार्क्स। तुम्हारा नाम स्नेहा है ना? एक मिनट रुको, मार्क्स मेरे पास आ गए हैं सबके। देखो आपके मार्क्स है आयशा, आयशा का है आपका कितना, अभी इसका रिजल्ट नहीं बनाया पता नहीं क्यों। कसक का है 22, दीपल सोलंकी का 25, मोहित बाबासा 25, वेदांश पटेल 28, मनीष कुमार विश्नोई 28, रुशान 29, हिमांशु मौर्य 31, स्नेहा गोस्वामी 32, एरलिस का है आपका 32, हमजा का 35, सकीना 35, वैभवी प्रफुल्ल कुमार 35, मुकुल 35। पता चल गया मार्क्स तुम्हारा? ब्रज पटेल 43, नहीं कंप्यूटर का 35, मुकुल 35, गरिमा पांडे 38। सर मेरे कितने?
नाम नाम बताओ वृज पटेल के 37 केमिस्ट्री में तुम्हारा 36 बायो में 37 गरिमा पांडे 37 मार्गी 39 जिया व्यास 39 कशिश 39 शेरिल 40 दर्शिल जोशी 41 नित्या गोस्वामी 42 मोहम्मद आदिल 42 सिद्धार्थ 44 खुशी बोंडे 45 ख्याति साहब 45 रिद्धि 45 देवराज 47 खुशी शाह 47 केशर माधवानी 48 सिमरन 48 नित्या गोस्वामी 42 आदिल का बता ही दिया, ये सबको तो बता दिया ना, सिद्धार्थ खुशी बोंडे सबको बता दिया मैंने, देवराज का बता दिया, खुशी का बता दिया, केसर का बता दिया, सिमरन कर्तव्य 48 कर्तव्य ये क्वेश्चन तुमने पूरा गलत ही कर दिया था। कौन सा? शायद देखना कॉपी में देखना होगा, या छोड़ दिया था या तो गलत कर दिया था। श्रीजा गुप्ता 48 जल्दी शुक्ला 48 एंड्रिया 49 सौम्या 49 वैंसी पटेल 50 पलक 50 हो गया सबके। सर मेरा नाम पलक, पलक 50 50 और सर मेरे नहीं है। किसके नाम बोलो? आयशा। आयशा को बता तो दिया। अच्छा हाँ, तुम्हारा कॉपी उनको मिल नहीं रहा था मैम को, मैंने दे तो दिए हैं। आपका केमिस्ट्री में 38 है, आज आपको बता दूंगा। रिचा का दो तीन लोगों का कॉपी नहीं मिल रहा था। आयशा केमिस्ट्री और फिजिक्स का, फिजिक्स का बेटा फिजिक्स का बेटा चेक नहीं हुआ, केमिस्ट्री का बता सकता हूँ मैं आपको। सर बता दो ना केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपके हैं 46। ओके। वैंसी के भी 46, सौम्या 48, एंड्रिया के 47, किसके? स्नेहा। स्नेहा। स्नेहा का देखने दो। सर मेरे 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 नहीं बोलो नाम। आदिल 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 मिल ही जाएगा रिजल्ट। एक दो कॉपी चेक होना बाकी है तुम लोगों का, साथ फिजिक्स का बाकी है। अब फिजिक्स में तो सर मतलब वो मैराथन ये सब करने में लगे हुए, तो कॉपी चेक कैसे होगा। 42 बायो में और 48 है तुम्हारे, तो ऐसे कैसे होगा। आदिल जम के चीटिंग मारा है। नहीं किसमें? केमिस्ट्री में नहीं, केमिस्ट्री तो सर है 48 है। ओके सर। सर दर्शिल के मैं भेज दूंगा ग्रुप में, यार तुम लोग देख लेना ठीक है। ओके मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लेना ठीक है। ओके सर। हां और सब लोग देखो, यही मैं बोल रहा था, पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी जो चीजें है ना अब वो सब ना हम 9th-10th में नहीं है। पहली बात एक दो बातें मैं बता दूं आपको, सुन लो सब लोग एक मिनट। 9th-10th में हम लोग नहीं है ठीक है, कि एक्टिविटी करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे तो हमारा एफिकेसी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमारे पास ड्रामा के लिए कोई टाइम नहीं होता है। 11th-12th में आके बच्चों को बस पढ़ाई करनी होती है। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हो बात सब लोग? 11th-12th में आके ना हमें वो मतलब वो चीजें करने का टाइम नहीं होता हमारे पास। आपके पास एक ही मोटिवेशन है, पढ़ाई करो, बाकी फालतू चीजों में डूबोगे रोगे आने वाले दिन में, बाद में दौड़ के मेरे पास ही आना होगा। सर अब क्या करें अपन, है ना? तो फोकस बस पढ़ाई पे करो, बाकी जितनी एक्टिविटी है सबको हटा दो ठीक है। आ रही बात समझ? Yes, sir. बुक लेके बैठो ना, एक ही तरीका है पढ़ने का है, बुक लेके बैठो मन लगना शुरू हो जाएगा। हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करके पढ़ाई नहीं होता है, उसमें फालतू का टाइम खराब होता है। एक दिन कर लोगे दूसरे दिन पता चला कि हमने 3 घंटा खराब किया कल इसके चक्कर में। तो बस पढ़ाई करो सब लोग, नंबर इंप्रूव होंगे। दूसरी बात, हर सब्जेक्ट को एनालाइज करो, हवा में उड़ो मत, टीचर के बातों से नहीं मेरे बातों से नहीं कि मैं कितना अच्छा बात करता हूँ या क्या क्या आपको एक्टिविटी देता हूँ,
आप यह एनालाइज करो कि आपके नंबर कितने आते हैं, जो ट्रू मिरर है ना किसी का वो नंबर होता है, बात समझ में आ रही है? तो नंबर इन द सेंस, हाँ नंबर कैसे एनालाइज करना है, अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो, जैसे मान लो 12वां सिलेबस है, आप पढ़ के गए फिर भी नंबर नहीं आ रहे, आपको समझ में आ रहा फिर भी नहीं आ रहे, तो प्रॉब्लम है, तब आप बात करो, है ना? तो नंबर अब नंबर से एनालाइज करना शुरू करो चीजों को, अगर 60-70% नंबर आ रहा है तो ठीक है, उससे कम आ रहा है अगर 60% से कम किसी सब्जेक्ट में तो समझो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। चलो ठीक है, बाय बाय सर।